जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, फिर से हाजिर हूँ आपका साप्ताहिक राशिफल लेकर के। महीना है नया, सितंबर का महीना आ गया है। उसका पहला हफ्ता आपके लिए क्या क्या लेकर के आएगा, यही आज हम जानने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस राशिफल को अपने गाइडिंग टूल की तरह यूज कीजिए, यानी कि अगर आपको पता चलता है कि कोई खराब घटना, हम आपको बता रहे हैं कि इसकी संभावना है, ऐसा आपके जीवन में हो सकता है, तो अपने विल पावर से या उसके लिए कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स लेके आप उसको रोक सकते हैं। और अगर हम बता रहे हैं कि कोई अच्छा समय आपके लिए आया हुआ है, कोई अच्छा योग बन रहा है, तो उस स्थिति में उसका भरपूर लाभ उठा के आप अपने जीवन को और बेहतर कर सकते हैं। इस कॉमन राशिफल में सब लोगों के लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर होते हैं, जो कि मैं अपनी इंट्यूशन से बताती हूँ, तो आप उसको फॉलो करते रहें। अगर सही लगता है तो अपने बाकी के फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, उन लोगों को भी जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी पता चल सके कि आज भी दुनिया में स्पिरिचुअल एक्टिविटीज जो है वो सच होती है। अध्यात्म में आज भी बहुत शक्ति है, भगवान की कृपा आज भी हम पे बरस सकती है। 18 सितंबर को पितृ पक्ष के उपलक्ष्य में हम एक भंडारा आयोजित करेंगे। जो लोग भी अपने पितरों के लिए, उनको लगता है कुछ कर नहीं पा रहे हैं, समय नहीं मिल पा रहा है, तो तन मन धन जिस भी प्रकार से आप सहयोग कर सकें करिए, ताकि हम पितरों के नाम से बहुत सारे लोगों को, गरीबों में भंडारा बांट सके, लोगों को कुछ खिला सके, ताकि वो आपको और आपके जितने भी पूर्वज हैं उन सभी को दुआएं दें। भंडारे में किसी भी प्रकार की धन राशि को सहयोग करने के लिए जो स्क्रीन पर आपके स्कैनर आ रहा है उसको यूज कर सकते हैं, या फिर इस यूपीआई नंबर पर भी आप कर सकते हैं। कर्क राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में मुझे आप थोड़े से रूड और थोड़े श्रूड और थोड़े प्रैक्टिकल लग रहे हो। कुछ चीजें आप अपनी लाइफ से क्लियर भी कर सकते हैं, आपको क्लियरिटी आ सकती है कि एग्जैक्टली चाहिए कि आपको अपनी लाइफ में किस चीज की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो एक कहीं ना कहीं मेंटल क्लैरिटी आपके लिए आ रही है, इमोशनल क्लैरिटी आपके लिए आ रही है। साथ ही थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है थोड़े तीखे ज्यादा हो रहे हो, तो उस पर थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि जहाँ जरूरत नहीं है वहां अपनी एनर्जी वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। तो ज्यादा लोगों को जवाब देना मुझे लगता है आपको नहीं इस समय में करना चाहिए, लेकिन थोड़े तीखे आप होते मुझे दिखाई दे रहे हो। बात करते हैं हम आपके जॉब की, तो जॉब में कुछ अलग अलग ऑफर्स इस समय में आ सकते हैं। एक तो मुझे दिख रहा है जैसे आपका कोई फ्रेंड है, या आपका कोई नोन है, या पुरानी कंपनी का कोई कोलीग है, वो आपको कोई बता सकता है कि फलानी जगह पे ऐसी कोई जॉब है या वैकेंसी निकली है, या आप उसके लिए अप्लाई करो, तो वो आपको कुछ बताता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग अपना जॉब या तो चेंज करना चाहते हैं या फिर ढूंढ रहे हैं, तो उनकी तरफ से आपको कुछ ऑफर आ सकता है। साथ में अगर हम बात करें तो इस समय जॉब पे जो ऑलरेडी काम कर रहे हो आप, तो वो काम जो है वो मतलब ठीक तो चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन टीम एफर्ट में ही चल पाएगा। अगर आप कोशिश करेंगे कि हम अकेले करने की कोशिश करें तो नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा सा टीम वर्क आप करिए, काम को थोड़ा बांटने का कोशिश करिए, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा इस समय में। अदरवाइज जॉब सिचुएशन अच्छा है, किसी को ऑफिस में डेफिनेटली प्रमोशन मिल सकता है आपके ऑफिस में, जिसको लेकर के भी आप थोड़ा सा निराश हो सकते हैं कि मतलब हमें क्यों नहीं मिल रहा है, या कोई स्पेशल प्रोजेक्ट उनको दिया जा सकता है जिसकी वजह से आप थोड़ा निराश हो रहे हैं, तो वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पे झगड़ा मत करना अपने ऑफिस में। बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस में देखें तो आप अपने प्रोडक्ट्स को, या तो आप प्रोडक्ट बढ़ा रहे हैं या कोई सर्विस बढ़ा रहे हैं इस समय में अपने बिजनेस में, और उसको खुद ही कहीं लेकर के जैसे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, शोकेस कर रहे हैं, एग्जीबिशन हो सकता है, या किसी कस्टमर से मिलने जा रहे हैं, या किसी पार्टी से मिलने जा रहे हैं, या किसी होलसेलर से मिलने जा रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा है जो आप अपने प्रोडक्ट को इस समय में कहीं लेते हुए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि आपका प्रोडक्ट जो है वो अलग मार्केट में फैले, जिसमें अब तक वो आप नहीं कर रहे थे, तो एक तो वो चीज दिखाई दे रही है। कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं कोई प्रोडक्ट, आप अगर कहीं घूम के लेटेस्ट आए हैं या किसी को देखा है, तो उससे भी इंस्पायर्ड हो कि आप कुछ चेंजेस इस समय में अपने बिजनेस में कर सकते हैं, मतलब जो एग्जिस्टिंग है उसके अंदर बढ़ोतरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चेंज तो नहीं कहना चाहिए, उसी के अंदर आप थोड़ा ग्रोथ या इंक्रीमेंट के लिए कुछ ऐड कर रहे हैं। चलिए एक भक्त की कहानी जानते हैं, फिर उसके बाद आगे का राशिफल सुनेंगे। जय शनिदेव, मेरा नाम यशोदा है, मैं लक्ष्मीबाई नगर से आई हूँ।
और मेरी यहाँ पे आके मैंने गुरु माँ से जब से जुड़ी हूँ तब से मुझे बड़ा अच्छा महसूस होता है, और उन्होंने जो भी मेरी प्रॉब्लम थी सभी समस्याओं का समाधान किया है, और जो भी वो राशिफल बताती हैं वो मेरी जो राशि है उस पर बिल्कुल सटीक बैठते हैं, और उनके बताए गए उपाय इतने अच्छे होते हैं कि मैं उनको फॉलो करती हूँ तो मुझे उनसे लाभ ही होता है। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण, जय गुरु माँ। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो इस समय थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीजें होती दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के फैमिली की तरफ से, वहां थोड़ा सा या फिर उनके बॉस की वजह से, या तो मतलब आपका जो पार्टनर है उनके करियर की वजह से वो रिलेशनशिप में ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप भी नहीं दे पा रहे हैं, या फिर उनके फैमिली की वजह से इशू आ रहा है, मतलब कोई इशू है जिसकी वजह से चीजें जो है वो कॉम्प्लेक्स हो रही है, जो आपकी समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, चीजें सब कुछ अच्छा है, सब कुछ सही चल रहा है, तो वो ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी रिलेशनशिप को लेकर के इस हफ्ते में रह सकती है। बात करते हैं हम फैमिली लाइफ की, तो फैमिली लाइफ में जो है काफी एका बना रहेगा। आपका कोई भी काम अगर फैमिली लाइफ में आप कर रहे हैं, फैमिली में कर रहे हैं, या फैमिली में कुछ कहते हैं तो सब लोग मिलजुल के कोई काम करते दिखाई दे रहे हैं, तो इस समय में आप एज अ पूरा फैमिली कुछ कहीं जा सकते हैं या कोई काम कर सकते हैं या किसी चीज के लिए एकजुट हो सकते हैं, काफी लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है। मतलब बहुत खुश भी नहीं है तो बहुत दुखी भी नहीं, सब अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन आपको सपोर्ट जरूर इस समय में फैमिली का मिलेगा। बात करते हैं आपकी एजुकेशन की, तो एजुकेशन में जो है वो सर का दर्द आपके लिए थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, इस समय में दर्द ज्यादा रह सकते हैं, खासकर स्टूडेंट्स को थोड़ा हेयर फॉल का प्रॉब्लम बढ़ सकता है, तो तेल वगैरह लगाना शुरू करिए, आपके लिए ज्यादा बेटर है। जब भी आप पढ़ने बैठे उससे पहले या तो कोई ऐसा तेल लगा लीजिए जिससे माइंड थोड़ा सा आपका रिलैक्स और सूदिंग रहे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा भी पढ़ने बैठ रहे हैं तो सर में आपके दर्द हो रहा है। अगर चश्मा लगाते हैं तो नंबर आप कंटिन्यूसली प्लीज चेक करते रहिए, और मुझे कहीं ऐसा लग रहा है जैसे पढ़ने बैठ रहे हो तो या तो कोई आ रहा है या कोई जा रहा है, तो उसके आने जाने से भी आपको जो है वो काफी डिस्टरबेंस हो रही है एजुकेशन को लेकर के। हेल्थ वाइज बात करें तो इस समय में वैसे आपका अपर बॉडी तो सही दिखाई दे रहा है, वहां तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वहां तो उल्टा थोड़ी चमक ही आएगी चेहरे पर, लेकिन लोअर बॉडी में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, खासकर पेट में। कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन इस समय में काफी ज्यादा हो सकती है। सितंबर माह का पहला हफ्ता आपके लिए बहुत सुखद जाए, आप सभी को आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।